ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। क्रूड 12 साल के निचले स्तर पर अब भी कारोबार कर रहा है। नामिक्स और ब्रेंट $34 के करीब है। वहीं डॉलर में गिरावट की वजह से सोने में तेजी देखने को मिली है। सोना 9 हफ्ते के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। कॉमेक्स प्रभाव $1,109 के कल ऊपर चला गया था। उधर कल डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे कमजोर होकर 66.93 के लेवल्स पर जाकर बंद हुआ है। लेकिन कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज जो बताने के लिए हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता हैं। अनुज, सबसे पहले तो कच्चा तेल ही, हालांकि 12 साल के लोस के आसपास है, लेकिन वहां से एक अच्छा बाउंस ले रहा है, 2% के आसपास की बढ़त के साथ इस समय कामकाज। क्या ये मोमेंटम थोड़ा अपसाइड में और सस्टेन हो सकता है? खरीदारी कर लूं क्या सर आज? आशीष जी, गुड मॉर्निंग। अगर देखें तो कल $32 का काफी अच्छा सपोर्ट मार्केट ने लिया था, बट मुझे लगता है कि ये सपोर्ट हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में दोबारा टूटता हुआ नजर आए, क्योंकि जो मार्केट है वो भी ओवर सप्लाइड है। और हमने देखा कहीं ना कहीं जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ था ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में, उसका कोई ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि अभी भी ओवर सप्लाइड की वजह से हो सकता है कि मार्केट में अगेन करेक्शन देखने को मिले। तो अभी क्रूड में मुझे लगता है कि अभी बाइंग में नहीं रहना चाहिए, अभी कुछ वेट करके फिर सडन राइज करके चलना चाहिए। ओके, तो कच्चे तेल में उछाल आता है तो बिकवाली करने के मौके ढूंढने, इस समय खरीदारी करने से अभी भी बचें। आज जो अर्ली एशियन ट्रेड में कामकाज हो रहा है आपकी स्क्रीन्स पर, ब्रेंट और नाइमेक्स दोनों 1.5-2% के आसपास के उछाल के साथ कामकाज कर रहे हैं। अनुज, सोना हालांकि $1,109 तक प्रति औंस गया था, अब तो वहां से ठंडा पड़ रहा है, 0.5% के आसपास का करेक्शन है आपकी स्क्रीन्स पर, $1,104-$1,103 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। क्या करूं, बिकवाली करके चलूं इसी तर्ज पर? देखिए, मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। हालांकि जो टेंशन चल रही है चाइना को लेके, या फिर अगर हम देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है उसका असर गोल्ड में देखने को मिला है। मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर जो ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा चेंज हुआ है पॉजिटिव साइड में। तो गोल्ड के अंदर मुझे लगता है कि बाइंग करके चले, हालांकि अब प्राइस $1,100 के ऊपर चल रहे हैं और M6 में भी देखें तो करीबन 26,000 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ और इसमें जो बाइंग साइड है वो रह सकते हैं। ऊपर अगर टारगेट की बात करें वीकली टारगेट की, तो अगले हफ्ते तक मुझे लगता है कि करीबन $1,115 से लेकर $1,120, और M6 में मुझे लगता है करीबन 26,500 से लेकर 26,800 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे के लिए भी हमारा आज बाय कॉल ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुज, सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। कच्चा तेल बाउंस दिखा रहा है, खरीदारी ना करें, बचें, ऊपरी स्तर करने के फिर से मौके मिलेंगे।